गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी आर डूइंग एसएसटी ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंड वी आर डूइंग चैप्टर 4th ऑफ इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. अर्लियर वी हैव रेड अबाउट MNC, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन. सो टुडे वी विल डू इन डिटेल अबाउट MNC, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री. जो MNC जो मतलब अक्रॉस द कंट्री, मतलब अलग अलग कंट्री से कैसे इंटरलिंक करती है, कैसे संबंध बनाती है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. इन जनरल MNC सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट इज़ क्लोज टू द मार्केट, वेयर देयर इज स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट. आमतौर पर देखा जाता है कि जो MNC है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, अपने प्रोडक्शन कहाँ शुरू करती है कि उनके आसपास एरिया में मार्केट हो और उन्हें लेबर, मजदूर जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के वहाँ पे लो कॉस्ट पे, मतलब कम वेतन पर वो उन्हें मजदूर मिल जाए. एंड वेयर द एबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ एश्योर, और जितनी भी प्रोडक्शन के लिए जो भी फैक्टर्स, जो भी चीज़ें काम आती है, तो वो भी उनको श्योरिटी हो कि वो वहाँ पर उनको अच्छी तरह से मिल जाएगी. इन एडिशन MNC might look for government policy that look after their interest. और साथ में हम क्या देखते हैं कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है कंपनीज़ के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो MNC ये चाहती है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है उन मज़दूरों के लिए, काम के लिए, जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट की है, तो वो भी उनके फेवर में बनाएं. यू विल रीड मोर अबाउट द पॉलिसी इन लेटर द चैप्टर. हम आगे जो चैप्टर करेंगे उसके बारे में, हम ह्यूमन राइट्स के बारे में और जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह की जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, तो उसके बारे में हम रीड करेंगे. सो नेक्स्ट, हैविंग अश्योर्ड देमसेल्फ ऑफ दिस कंडीशन, MNC सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसिस फॉर प्रोडक्शन. हमने क्या किया कि जो ऊपर जो कंडीशन थी, ये कंडीशन सारी अगर MNC मतलब मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन को मतलब कम पैसे में मिलती है, तो वो वहाँ पे अपनी ऑफिस और फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करती है. द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. अब जो मनी इज स्पेंड, जो मनी खर्च की जाती है एसेट खरीदने के लिए, एसेट मतलब ज़मीनें खरीदने के लिए, बिल्डिंग्स, मशीन्स खरीदने के लिए, और भी कई तरह के जो इक्विपमेंट्स चाहिए उनको खरीदने के लिए जो मनी यूज़ की जाती है, खर्च की जाती है, तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNC इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. जो इन्वेस्टमेंट ये जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होती है दूसरी कंट्रीज़ में जो ज़मीनें, बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसा खर्च करती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स विल अर्न प्रॉफिट, और ये इन्वेस्टमेंट इस होप के साथ ही की जाती है कि उन्हें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा. एट टाइम MNC सेट अप प्रोडक्शन जॉइंटली विद सम ऑफ द लोकल कंपनी ऑफ दिस कंट्री. मतलब कई बार तो क्या होता है, जो MNC है जो अपनी प्रोडक्शन मतलब सेटअप करती है, कहीं भी प्रोडक्शन उसने करना है, तो वो लोकल कंपनी के साथ मिल के काम करती है. द बेनिफिट टू द लोकल कंपनी ऑफ सच जॉइंट प्रोडक्शन इज़ टू फोल्ड. जब ये जॉइंट प्रोडक्शन का काम चलता है, तो लोकल कंपनी को दो तरह से, टू फोल्ड मतलब दो तरह से फ़ायदा होता है. फर्स्ट, MNC कैन प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक बाइंग न्यू मशीन्स फॉर फास्टर प्रोडक्शन. मतलब क्या है कि अगर लोकल कंपनी से MNC जो है मतलब जॉइंटली उनके साथ तो मतलब लिंक बनाती है, तो उससे क्या है, जो लोकल कंपनीज होती हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, क्योंकि लोकल कंपनीज़ के पास पैसा इतना नहीं होता और MNC के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो पैसा लगाती है और तो उस पैसे से वो नई नई मशीनें खरीद सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन बहुत जल्दी होता है. सेकेंड, क्या उनको फ़ायदा होता है, सेकेंड, MNCs माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन. और जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन जो अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज या ऑफिस सेटअप करते हैं, तो उस कंट्री के लोगों को नई टेक्नोलॉजी भी प्रोडक्शन के लिए मिलती है. मतलब दो तरह के फ़ायदे लोकल कंपनीज को होते हैं. बट द मोस्ट कॉमन रूट फॉर MNC इन्वेस्टमेंट्स इज़ बाई अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन. बट मेन रूट जो MNC जो इन्वेस्टमेंट करती है, उसका मेन रूट क्या होता है कि वो लोकल कंपनीज को खरीद ही लेती हैं. मतलब लोकल कंपनी पे पूरा अपने कंट्रोल कर लेती है, मतलब इतना पैसा लगाते हैं लोकल कंपनी को, वो खरीद सकते हैं और फिर वो अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड मतलब बढ़ाती हैं. MNC विद ह्यूज वेल्थ कैन क्वाइट इजली डू सो. ये हमने पहले ही कर लिया कि MNC जो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन है, अलग अलग कंट्रीज में अपनी प्रोडक्शन सेटअप करेगी, तो उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो वो ईजिली कर लेते हैं काम. टू टेक एन एग्जाम्पल, कारगिल फूड, या हम कारगिल फूड के एग्जाम्पल लेते हैं. अ वेरी लार्ज अमेरिकन
MNC है जो कारगिल फूड एक कंपनी है, इंडस्ट्री है जो अमेरिका की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एज बोट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनीज सच एज परक फूड. उसने कुछ मतलब छोटे छोटे इंडिया की जो कंपनीज है उनको खरीद रखा है, जैसे कि परक फूड की एग्जांपल है. परक फूड्स हैड बिल्ट अ लार्ज मार्केटिंग नेटवर्क इन द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया. जो परक फूड है जो इंडिया में, इंडिया की एक कंपनी है, तो उसका भी इंडिया में काफ़ी नेटवर्क, मतलब इंडिया में अलग अलग जगह पे उसका प्रोडक्शन का जाल फैला हुआ है. वेयर इट्स ब्रांड वाज वेल रेपेटेड, क्योंकि उसका जो ब्रांड है परक फूड्स का जो ब्रांड है बहुत अच्छा है, वेल रेपेटेड है, मतलब उसकी बहुत मतलब बिक्री होती है. आल्सो परक फूड हैड फोर ऑयल रिफाइनरीज, और परक फूड की फोर ऑयल रिफाइनरी भी है. हुज कंट्रोल हैज़ नाउ शिफ्टेड टू कारगिल, जो कारगिल हमने ऊपर पढ़ा था कि कारगिल फूड इंडस्ट्री अमेरिका की है, अब कारगिल ने उसे खरीद लिया. कारगिल इज़ नाउ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया विद कैपेसिटी ऑफ टू मेकिंग 5 million पाउचेस डेली. मतलब हमने क्या देखा कि कारगिल ने इंडिया की जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उनको वो बाय कर लेती है पैसे से, तो कारगिल ने परक फूड को बाय किया. तो परक फूड जो है ऑयल रिफाइनरी थी उसकी, तो अब उसका कारगिल का उसका हो गया कंट्रोल क्योंकि उसने उसको बाय कर लिया. तो अब कारगिल जो है एडिबल ऑयल बनाने में सबसे आगे है. एडिबल ऑयल मतलब जो खाने वाला तेल होता है जो हम सब्जी वगैरह में रसोई में यूज़ करते हैं. तो अब इंडिया में जो उसकी कैपेसिटी है डेली की, मतलब डेली कैपेसिटी बताई कि 5 million पाउच, मतलब 5 million पैकेट डेली के तेल के उस कंपनी में बन रहे हैं. ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.